दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। आपने ऐसा इवेंट अपने आसपास जरूर देखा होगा कि एक लाइट सोर्स के आसपास इस तरह के कीड़े बहुत बार घूमते रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इंसेक्ट्स आखिर आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे कि बल्ब्स या फिर ट्यूब लाइट्स के अराउंड ऐसे क्यों घूमने लगते हैं? वेल, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने इसके लिए अलग अलग रीजंस दिए होंगे, जैसे कि इंसेक्ट्स इन आर्टिफिशियल लाइट्स को सन या फिर मून समझ लेते हैं और उन्हें यहां से गर्मी मिलती है। ऐसे ही कई बातें आपने सुनी होगी, लेकिन गेस व्हाट, हाल ही में वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम जिसे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग के एक रिसर्च एसोसिएट सैमुअल फेबियन लीड कर रहे थे, इन्होंने इसका एक ऐसा रीजन दिया है जो आपको सरप्राइज कर देने वाला है। एंड आई एम श्योर कि इस पूरे एनालिसिस को सुनने के बाद आपको इन बेचारे इंसेक्ट्स का दर्द समझ आने वाला है, क्योंकि जिस जाल में ये फंसे हुए हैं ना, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस फेनोमेना के बारे में हमारे प्रीवियस एजम्पशंस क्या क्या थे। तो इमेजिन करो कि आप गुफा में फंस गए हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप इस जगह से एस्केप कैसे करेंगे? तो देखो, यहाँ पर अगर आपको कहीं पर रोशनी नजर आएगी तो आप उसी डायरेक्शन की ओर भागोगे। कुछ ऐसा ही हाल इन फ्लाइंग इंसेक्ट्स के साथ भी है। इन्हें लगता है कि ये आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं बल्कि सूरज या फिर मून है, और इसीलिए वो उसकी ओर सर्कुलर मोशन में उड़ना शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मॉथ जैसे फ्लाइंग इंसेक्ट्स मून की लाइट का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया करते हैं, और जब वो आर्टिफिशियल लाइट्स को देखते हैं तो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। पर भाई, अगर ऐसा है तो ये इंसेक्ट्स क्या मून की तरफ ट्रैवल करते हैं? वेल, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, और इसलिए ये वाला क्लेम्स कुछ खासा लॉजिकल नहीं माना गया। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक एक दूसरी थियरी लेकर आए, जिसके अनुसार ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स लाइट सोर्स की लाइट के कारण नहीं बल्कि उसकी हीट के कारण अट्रैक्ट होते हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के ये रिपोर्ट बताती है कि इंसेक्ट्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हम ह्यूमंस की बॉडी अपने आप हीट को जनरेट कर सकती है, जिससे हम ठंडी जगहों पर भी सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन कोल्ड ब्लडेड इंसेक्ट्स ये हीट खुद से जनरेट नहीं कर पाते, और इसीलिए ये लाइट सोर्स के पास जाते हैं जिससे कि इनकी बॉडी को इनफ हीट मिल पाए और ये कोल्ड एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पाए, राइट? अब इस पूरी थियोरी को ना नेचर जर्नल के इस वाले आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, जिसे 12 जून 1965 को पब्लिश किया गया था। हालांकि ये थियोरी तब डिबंक हो गई जब एलईडी लाइट्स दुनिया में पॉपुलर होने लगे। अब देखो, एलईडी लाइट से इतनी ज्यादा हीट या थर्मल रेडिएशन निकलती ही नहीं है कि वो फ्लाइंग इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन फिर भी इंसेक्ट्स इसकी ओर अट्रैक्ट होते ही हैं। इनफैक्ट अगर आप एक तरफ नॉर्मल बल्ब और दूसरी तरफ एलईडी बल्ब रख कर देखोगे ना, तो इनके अराउंड इंसेक्ट्स के नंबर में आपको कुछ खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब फाइनली कुछ वैज्ञानिक ये थियरी लेकर आए कि इंसेक्ट्स लाइट सोर्स के अराउंड इसीलिए घूमते हैं क्योंकि वो लाइट के कारण ब्लाइंड हो जाते हैं। अब ये चीज तो आपने भी नोटिस की होगी कि जब हम काफी देर तक लाइट सोर्स को लगातार देखते रहते हैं तो हमारे विजन में डार्क पैचेस बनने लगते हैं और हम कुछ देर के लिए ब्लाइंड जैसे हो जाते हैं। नाउ सिमिलरली, जब हम आर्टिफिशियल लाइट से नेचुरल लाइट्स में या फिर नेचुरल लाइट से आर्टिफिशियल लाइट में जाते हैं, तब भी हमें कुछ समय के लिए सब कुछ थोड़ा ब्लर ब्लर नजर आने लगता है। अब अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो इंसेक्ट्स की आंखें तो हमसे काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, और उनके साथ ऐसा होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। जब इंसेक्ट्स उड़ते हुए किसी लाइट सोर्स के पास पहुंचते हैं तो वो कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं, जिसके बाद वो लाइट सोर्स के अराउंड ही घूमते रहते हैं और कई बार तो लाइट सोर्स से ही कोलाइड भी कर जाते हैं। लेकिन ये वाली थियरी भी पूरी तरह से गलत साबित हुई, और इसका क्रेडिट जाता है हमारी नई थियरी को जो 30 जनवरी 2024 को नेचर जर्नल में पब्लिश हुई है। वैज्ञानिक बेसिकली ये जानना चाहते थे कि मॉडर्न जनरेशन में जहां लाइट पोल्यूशन अपने पीक पर पहुंच चुका है, ऐसे में इंसेक्ट्स इन आर्टिफिशियल लाइट से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और इन इंसेक्ट्स के लगातार डिक्रीज होते नंबर का क्या राज है। वेल, इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग टाइप के आर्टिफिशियल लाइट्स को लिया और उनके अराउंड स्लो मोशन कैमरास लगा दिए, जो विद इन ए सेकंड कई सारी फोटोग्राफ्स ले सके। और जानते हो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकल कर आया? वेल, ये पता चला है कि इंसेक्ट्स लाइट सोर्स का चक्कर लगाते समय उसकी ओर देखते ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो लाइट सोर्स के कारण कुछ रिएक्शन भी नहीं दे रहे थे, वो तो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो स्ट्रेट लाइन थी ही नहीं, वो अनजाने में ही अपने डायरेक्शन को लगातार बदल रहे थे और अल्टीमेटली लाइट सोर्स का चक्कर लगा रहे थे।
और इसका रीजन था डोरसल लाइट रिस्पॉन्स, जिसे DLR भी कहते हैं। लेकिन आखिर ये होता क्या है? वेल, चलिए इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाता हूँ। तो दोस्तों, कभी चलते समय आपको कंफ्यूजन हुई है कि आप जमीन पर चल रहे हो या आसमान में? वेल, शायद कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि हम इंसान और सभी लैंड एनिमल्स हमेशा जमीन के कॉन्टेक्ट में ही बने रहते हैं। आई मीन, हमारे लिए ना ये ओरिएंटेशन वाली प्रॉब्लम सॉर्टेड है। जिस तरफ जमीन होगी उसी तरफ हमारे पैर भी होंगे। पर जरा सोच कर देखिए कि हवा में उड़ने वाले जीव, खास करके जो लोअर एल्टीट्यूड्स पर उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, वो इस ओरिएंटेशन वाली प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते होंगे? अब आखिर बैक किस तरफ होगी और पैर किस तरफ होंगे, ये हवा में उड़ते समय तय कैसे किया जाएगा? वेल, इसके लिए वो यूज करते हैं डोरसल लाइट रिस्पॉन्स का, जो करोड़ों साल के एवोल्यूशन के दौरान इन इंसेक्ट्स में सेट एज डिफॉल्ट हो चुका है। इनकी बॉडीज इस तरह से इवॉल्व्ड है ना कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को लाइट सोर्स के साथ अलाइन कर लेते हैं, और इसके कारण ही वो आसानी से एक्यूरेटली उड़ पाते हैं। अब देखो, दूसरे शब्दों में कहूं तो फ्लाइंग इंसेक्ट्स के बैक में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो अपने ऊपर मौजूद ब्राइटेस्ट लाइट के अकॉर्डिंग ब्रेन को ये डायरेक्शन चेंज करने का सिग्नल भेजने लगते हैं। अब करोड़ों साल से जब ये इंसेक्ट्स एवोल्यूशन के फेज में थे, तब सन और मून ही लाइट के ब्राइटेस्ट सोर्सेस हुआ करते थे। मतलब धरती पर जितनी भी लाइट्स थी उसका अल्टीमेट सोर्स यही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे। फिर एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन नाम के एक बंदे ने लाइट बल्ब बना दिया, और इंसानों के साथ इंसेक्ट्स की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल कर रह गई। अब इन लाइट बल्ब्स की ब्राइटनेस सूरज और मून के कंपेरेबल होती है, और इनसे फायर की तरफ बहुत ज्यादा हीट भी एमिट नहीं होती। अब जैसे ही वो एक लाइट सोर्स के अराउंड ट्रैप होते हैं, वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हैं। अब ये इंसेक्ट्स चलना तो स्ट्रेट पाथ पर चाहते हैं, पर एवोल्यूशन ने उसके अंदर का जो सिस्टम फिट कर दिया है ना, वो उन्हें लाइट की डायरेक्शन में अपने आप ही मोड़ देता है, और वो इस लूप में तब तक फंसे रहते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि विंड या फिर कोई दूसरा इंसेक्ट उनको टक्कर मारकर वहां से निकाल ना दे, या फिर वो वहां पर पड़े पड़े मर ना जाए। कई बार तो ये इंसेक्ट्स डायरेक्ट इन लाइट से ही टकरा जाते हैं और वहीं पर मर भी जाते हैं, और आपने ये नोटिस भी किया होगा। और देखो, इन पूरे सिनेरियो में ना इन इंसेक्ट्स की कोई भी गलती नहीं होती। वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल लाइट के 500 से भी ज्यादा सिनेरियोज में इस फिनोमेना की टेस्टिंग की है, और हर बार यही रिजल्ट सामने आया है। इसके बाद यह आइडेंटिफाई किया गया कि इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस फिनोमेना कौन सा होता है, और ये पता चला कि जब लाइट ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर लगी होती है, तब इंसेक्ट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब कि स्काई फेसिंग लाइट्स के अराउंड ना इंसेक्ट्स ज्यादा लंबे समय तक ट्रैप्ड रहते हैं, क्योंकि देखो ऐसे लाइट्स में तो उनका पूरा ही सिस्टम हैंग हो जाता है। डाउन फेसिंग लाइट में कम से कम वो अपने ओरिएंटेशन में सीधा तो रहते हैं, लेकिन स्काई फेसिंग लाइट्स में तो वो इन्वर्ट होकर उड़ने लगते हैं, यानी उल्टे होकर उड़ने लगते हैं। तो भाई, अब तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम इंसानों की बनाई ये आर्टिफिशियल लाइट्स इंसेक्ट्स की मौत का कारण बन रही है, और कैसे ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स अनजाने में ही एक डेथ ट्रैप में फंस जाते हैं। पर अब सवाल उठता है कि आखिर इसका सलूशन क्या है, और इसका सलूशन निकालने की जरूरत ही क्यों है? तो देखो, जब बात सलूशन की आती है तो सबसे पहला तो हमें स्काई फेसिंग लाइट्स के नंबर को कम करना चाहिए, और पॉसिबल हो तो ऐसी लाइट्स का इन्वेंशन भी करना चाहिए जो इंसेक्ट्स की इस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर पाए। पर देखो, सवाल ये आता है कि ये इंसेक्ट्स हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? वेल, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये पॉलिनेटर्स होते हैं। देखो, दुनिया भर में ये इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। यही नहीं, ये फसलों में पड़ने वाले माइन्यूट इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं, जिससे कि वो खराब नहीं हो पाती। ऐसे में अगर ये इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो ये इंसानों की फूड साइकिल को बर्बाद कर देगा। तो इससे पहले कि हम खुद बर्बादी के कगार पर पहुंच जाए, हमें इसका सलूशन निकालना ही होगा। बाकी अगर आपके दिमाग में इससे जुड़ा कोई आइडिया है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मैंने अपने आसपास नोटिस किया है कि जब भी ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं, खास करके बारिश के मौसम में या फिर ठंडी के टाइम में ये लाइट्स के अराउंड काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैंने ये नोटिस किया है कि काफी सारे दुकान वाले, काफी सारे ठेले वाले अपने लाइट के अराउंड ना नीम के पत्तों को बांध देते हैं। चारों तरफ ऐसा नीम का पत्ता घुमा करके बांध देते हैं, जिससे कि मैंने ये नोटिस किया है कि वो इन पत्तों के आसपास नहीं आते और इन लाइटों से खास करके वो दूर रहते हैं। मतलब जितना बड़ा झुंड जो है वो लाइट के पीछे घूमता है, वो दूर रहता है। तो मे बी हम इस तरह से कोई ऐसा एक आइडिया ईजाद कर सके जिससे कि इन इंसेक्ट्स को बचाया जा सकता हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक पर्सनल बात कहना चाहूंगा कि हम इंसान हैं, और जब तक हमारे पिछवाड़े पर लात नहीं पड़ती ना, तब तक हम नहीं सुधरते हैं। मे बी आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अब अगर आपको हमारे वीडियोज इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वाला वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें हमने बात किया है कि डायनासोर से पहले हमारी पृथ्वी पर कैसे जानवर रहा करते थे। हमारी पृथ्वी पर डायनासोर से पहले ऐसे ऐसे जीव रहते थे जिनके बारे में आप सोच कर भी डर जाओगे।
यहाँ पर क्लिक करो और जाकर इस वीडियो को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।